हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन द टारगेट एजुकेशनल सेंटर पटना। मैं वंदना सोनम आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग सैको के टेस्ट 3 ब्रिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। ब्रिक्स यानी कि ईट परीक्षण, इसे हिंदी में ईट परीक्षण भी कहा जाता है। इसके लिए जो आपके निर्धारित समय होते हैं वो 5 मिनट होते हैं और जो प्रश्नों की संख्या होती है वह 50 होती है, और ये जो है वो उपखंडों में मिलेंगे आपको। कुल मिलाकर के इसमें 10 उपखंड होते हैं और एक उपखंड से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए बी सी डी ई करके। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल, जिसका नाम ऑनलाइन द टारगेट एजुकेशनल सेंटर पटना है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने कमेंट भी भेजें, ताकि आपके सुझाव हम तक पहुंच सके और हम अपने एजुकेशन में नित प्रतिदिन सुधार करते चले जाए। और साथ में अपने बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने बताया कि ये उपखंडों में बटे हुए होते हैं और एक उपखंड में 5 क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी डी ई करके, और ऐसे करके आपको 10 उपखंड मिलते हैं। कुल मिला के 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और निर्धारित समय 5 मिनट में। चलिए मैं आपको कुछ सैंपल यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ, ताकि आप समझ सके। अगर सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, जिन जो अभी पहली बार एग्जाम में सैको एग्जाम में बैठ रहे हैं, वे इसका प्रैक्टिस पहले माचिस पे करें। प्रश्नों को पहले चित्र में देख करके उसके बाद माचिस पर उसे सजाएं, उसके बाद गिनने का प्रयास करें, तो आपके लिए ये सेक्शन इजी हो जाएगा। इसमें देखिए जो इसकी संख्या है, ये जो सॉरी इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच और इसकी ऊंचाई है 2.5 इंच। अब इसी 10 इंच पर हमें ईटों को सजाना है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे ईटों को सजाते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा 10 इंच का ईटा है, 10 इंच के ईटे पर हम लोगों को 5-5 इंच के अगर ईट को सजाना होगा, तो क्या कितने ईटे रखेंगे? ये इसकी पूरी लंबाई है 10 इंच। अब इसमें हमको ये 5 इंच और 5 इंच के 2 ईंटे रखने होंगे, तब इसको ये भर पाता है। 5 इंच और ये भी 5 इंच, तब ये हमारे ईंटों को भरेगा। अगर इसी जैसे कि देखिए मैंने रखा ऐसे, ये है 10 इंच और फिर इसके ऊपर जब मुझे ईंटे रखने होंगे, तो इसके साथ में भी मुझे एक 10 इंच का ही एक ईंटा समान तरह में रखना होगा। अब इसको भरने के लिए फिर अगर हम लोग लेते हैं इस 5-10 इंच को भरने के लिए, तो मुझे ऐसे 2 ईंटों की जरूरत पड़ेगी इस जगह को भरने के लिए। तो अब ये हमारा 10 इंच का जगह भरता है, यानी कि 5 इंच और 5 इंच मिला करके, जैसा कि हमने बताया, इस 10 इंच की जगह को भरने के लिए हमने 2 ईंटों का प्रयोग किया। ठीक इसी तरह से अगर अब हमें इस ईंटों को भरना होगा, तो कितने ईंटों से भर सकते हैं? मैक्सिमम ईंटे इसमें अगर रखने होंगे तो हम लोग 4 ईंटे रख सकते हैं, 2.5, 2.5, फिर 2.5 और ये फिर हमारा 2.5। अब हम लोग जब 2.5 2.5 ईंटों को रखते हैं, तो हमारा ये 5 इंच का होता है। देखिए यानी कि फिर हमने इसे डिवाइड किया, अब इसकी कितनी हो गई, 2.5, ये भी 2.5, यानी कि 4 ईंटे लगाने होंगे, तो हमको 2.5 2.5 इंच के 4 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें ईंटे कैसे रखने होंगे? खड़े रखने होंगे। लिटा के रखने पर 2 ईंटे की जरूरत पड़ेगी, खड़े रखने पर 4 ईंटे की जरूरत पड़ेगी। और इसी में अगर हमको लिटा के रखना होगा और खड़े भी रखने होंगे, तो मुझे 2 ईंटे यानी 5-5 इंच के 2 ईंटे, सॉरी 2.5 2.5 इंच के 2 ईंटे, 5 इंच हो गया, और एक 5 इंच के ईंटे रखने होंगे, तब इस जगह को ये भर पाएगा। इस तरह से जब हम लोग रखेंगे तो ये जगह हमारा भरता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ भी मैं समझा रही हूँ। अब ये 5 इंच का हो गया और ये दोनों हमारा 2.5 2.5 इंच का हो गया, अब ये 10 इंच का हो गया। इस तरह से हमको देखना होता है कि ईंटे किस तरह से रखे हुए, 10 इंच वाले ईंटों को भरने के लिए 5 इंच का जगह ले रहा है या 2.5 इंच का, उस पर ही हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। आइए जब इसकी भी बात करते हैं, हम लोग फिगर में जब आते हैं, तो
इसमें भी आप देखेंगे कि इसकी जितनी भी लंबाई होती है वो 10 इंच ही होती है। ये टोटल लंबाई इसकी 10 इंच पे ही हम लोग ईंटों को सजाते हैं, इससे अधिक नहीं होता है। और जो आपके क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपके ईंटों की संख्या पूछी जाती है वह 1 से लेकर के 10 ही होते हैं। मैक्सिमम ईंटों की संख्या उसमें 10 पूछी जाती है। तो इसमें प्रश्न देखते हैं कैसे है। तो पहले मैं आपको इस पर दिखाती हूँ कि कैसे इस फिगर को मैंने बनाया है। अब इस फिगर को मैं इस पर सजाती हूँ, देखती दिखाती हूँ कि कैसे हमारे ईंटे रखे होते हैं। और आपको भी इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस करना है माचिस पे, ताकि आप इसको समझ सकें अच्छे से। देखिए, यहाँ आगे में 2 ईंटे खड़े करके रखे थे, मैंने भी खड़े करके रख दिए और ये भी मैंने खड़े करके रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ईंटे लिटा के रखे हुए थे जो मैंने भी लिटा के रख दिए। आप 2 ईंटे फिर से रखे हुए लिटा करके ही, लेकिन इसका दिशा बदला हुआ है, उसी दिशा में है, लेकिन ये जो है 2.5 इंच की जगह 5 इंच की जगह को भरने के लिए हमने 2.5 इंच का इस्तेमाल किया है। इधर से देखिए, ये 2.5 5 हो गया और ये 5 हो गया। अब इस जगह को भर लिया इसने, और इसको भरने के लिए हमने ये ईंटे लगाए। और इसको देखिए, एक ईंटे ने ऐसे घेर के रखा है जैसा कि फिगर में है। आइए हम लोग इसको गिनते हैं कि कैसे अब इसको गिनना है। तो इसमें जैसे क्या उपखंड में बटे होते हैं मैंने बताया था। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। इसमें है प्रश्न रहता है कि आपके ए जो है वो कितने ईंटों को स्पर्श कर रही है। तो हम लोग देखते हैं ए कितने ईंटों का स्पर्श कर रही है, यानी कि आपका ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, ये जो भाग है ए का, इसको मानते हैं ए, तो ये कितने ईंटों को स्पर्श कर रही है, इसे गिनने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ईंटों के कितने भाग होते हैं। तो ईंटों में देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 भाग होते हैं। तो हमको देखना है कि मेरे कितने भाग कवर किए हुए हैं। आइए देखते हैं, इस ईंटे के देखा जाए तो इस तरफ का भाग, यानी कि अभी हम बाएं तरफ से बात बोल रहे हैं, तो बाएं तरफ में कोई भी ईंटा नहीं है, ये खुला हुआ है। इसके नीचे में एक ईंटा रखा हुआ है। इसका आंसर इसमें क्या हो गया, एक ईंटा यहाँ पर है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब भी आप ईंटों को काउंट करें, उसके लंबे वाले भाग, यानी कि इस वाले भाग को आप छोड़ दें, इसको ना गिने, क्योंकि इससे अगर आप काउंटिंग करेंगे तो गलतियां ज्यादा होंगी। इसके लिए आप हमेशा इस वाले भाग का प्रयोग करें। इस वाले भाग से प्रयोग करने पर आसानी होती है, इसका हमें सिर्फ सहारा लेना है। ये सबसे बड़ा ट्रिक है जिसको ध्यान में रखना है। 5 10 इंच वाले का सहारा लेना है और गिनना हमें है 5 इंच वाले से। चलिए देखते हैं, एक यहाँ पर एक है, हम इसको आपकी आपके सुविधा के लिए इसमें पहले नंबर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप हमेशा छोटे वाले नंबर पर ही नंबर डालें। शुरुआती तौर में आप इस तरह से प्रैक्टिस करें, पहले आप माचिस के सहारे से पहले सीखें कैसे हमारा ईटा सजा होता है, कैसे हमारे प्रश्न होते हैं। उसके बाद जब आप प्रश्न पर आए तो उसे 1 2 3 4 करके इंगित कर लें। ये शुरुआती तौर के लिए मैं बता रही हूँ। जब कुछ प्रयास कर लेंगे, जब कुछ प्रैक्टिकल कर लेंगे, तो उसके बाद आप इसको बिना इंगित किए ही करना है। ये एग्जाम के टाइम पे आपको वहां पे इंगित करने का समय नहीं रहेगा, उस टाइम पे खाली आपके आंखों का प्रयोग करना है और हाथ को अपने माउस के लिए रखना है। चलते हैं, देखिए मैंने इस तरह से इंगित कर लिया है, आप भी शुरुआती दौर में इसे इंगित करें। अब ए के लिए हमारे कौन कौन से हैं जिसने घेर रखा है, तो मैंने बताया, देखिए बायां भाग खुला हुआ है, दाहिने भाग में एक ईंटा मुझे दिख रहा है, तो ये लंबा वाला भाग है, हम इसके सहारे से यहाँ जाएंगे। चूंकि ये हमारा 5 इंच का है, तो इसका मतलब है कि 5 और 2.5 इंच तो हमने देख लिया, 10 इंच इसका मतलब इसके बराबर है, वो 10 इंच इसके ऊपर जो रखा हुआ है ये इसी के बराबर है। देखिए जैसे मैंने रखा है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, तो ये 10 इंच का भाग है हमारा। तो यहाँ पे देखिए, एक ये 6 नंबर और एक 7 नंबर हमारा क्या हो गया, 1 2 और एक नीचे से ढका था 3। अब इसके ऊपर में देखेंगे तो 1 3 नंबर है ईटा और 1 4 नंबर ईटा है। कितने ईटे अब हमारे पास हो गए ए को ढकने के लिए। पीछे इसका खुला हुआ है, पीछे में कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, सीधा हम लोग को दिख रहा है। तो अब हम लोग फिर से काउंट करते हैं, इसके ऊपर में 1 2, इसके नीचे में 3 और इसके दाहिने साइड के लिए हम लोग फिर सहारा लेके ऊपर गए 4 5।
अब ए की संख्या कितनी हो गई? 5। फिर हम लोग चलते हैं बी की ओर। बी में कितने ईंटों की संख्या है? तो फिर बी देखिए खड़ा है जैसे कि डी खड़ा है, यहाँ डी का इंडिकेशन यहाँ है और हमने यहाँ इसमें 6 डाला है। तो यहाँ पर देखिए बी के लिए जो है जो ईटा पूछा जा रहा है, आप इसके लिए अभी सीटे का सहारा लें। सबसे पहले बी के लिए देखेंगे इसके सामने में कौन सा है, तो एक 9 नंबर ईटा है, एक यहाँ पे हो गया। इसके बगल में जो ईटा है वो 6 नंबर का, ये भी इसी में सटा हुआ है। अब और एक बात ध्यान में रखिए, जब आप बहुत बच्चे इस कॉर्नर को लेके कंफ्यूज होते हैं कि कॉर्नर भी क्या उसमें गिनती आता है, कॉर्नर को कभी नहीं गिना जाता है। मान लीजिए मैंने ईटा इस पर रखा है तो ये इससे नहीं सटा हुआ है, बल्कि ये दोनों इसी दोनों ईटे पर सटे हुए हैं। इसलिए ऐसी गलतियां ना करें कि अगर मुझे बी के बारे में पूछा जा रहा है तो इसको भी काउंट करेंगे। ये जो ईटा है वो 3-4 के ऊपर रखा हुआ है, इस पर नहीं है, इसलिए इसमें कॉर्नर को कभी भी नहीं लीजिएगा। ये सबसे बड़े मिस्टेक्स बच्चों से होते हैं। तो बी के लिए एक ये 9 हो गया। फिर इसके बाजू में देखिए ये 6 है जो इसके लेफ्ट में है, और अब ये देख रहे हैं कि ये मेरा ईटा इतना बड़ा, इसका मतलब ये भी इसी के साइज का, ये 10 इंच का ये है तो ये भी 10 इंच का ही होगा क्योंकि ये एक ही तरह रखा हुआ है। अब इसको छूने के लिए कौन कौन से ईटे हैं? 4, 2, 1। जितने ईटे 6 को यानी कि डी को छू रहे हैं उतने ही ईटे हमारे बी को भी छू रहे हैं, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। बी को भी कितने ईटे छू रहे हैं? हमारे 5। आपको माउस को क्लिक कर देना है 5 पर। अब चलते हैं हम लोग सी की ओर। सी के लिए देखिए सामने के भाग में कुछ भी नहीं है, दाहिने में एक ईटे रखे हुए हैं, 9 नंबर की ईटे। इसके पीछे में ये 6 नंबर के ईटे हैं और ये इसी का भाग है, इसलिए 1 और 2। हम लोग छोटे वाले भाग को काउंट करते हैं तो देखिए एक 9 नंबर का और एक 6 नंबर का। सी को छूने वाली सिर्फ 2 ही ईंटे हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब चलते हैं हम लोग बी की ओर। बी सी सॉरी सी के बाद हम लोग चलते हैं डी की ओर। डी को छूने के लिए कितने ईंटों की जरूरत है? देखिए यहाँ पे डी हमारा है, इसके आगे में एक रखा हुआ है जो कि जिसका मैंने 8 भी इंकित किया, और नीचे में सी भी है और इसके बगल में एक बी है, 1, 2, और इसके साइड में देखिए जो दिख रहा है हमें 4, 2 और 1। और ये जो है ये 4 पर रखा हुआ है ना कि 6 पर रखा हुआ है, पहले भी मैं बता रही हूँ ये कॉर्नर को टच कर रही है इसलिए ये हमारा ईटा नहीं होगा। तो डी को छूने वाली हो गई 1, 2, 3, 4, 5। हमारे डी की ईटों की संख्या कितनी हो गई? अब 5। चलते हैं ई की ओर। देखिए ई यानी कि ये वाला भाग हमसे पूछा जा रहा है, तो ई के नीचे में स्पष्ट दिख रहा है कि मात्र 2 ही ईंटे रखे हुए हैं ई के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ भी रख के दिखाया है। इसलिए हमारी ई जो है वो 2 ईंटों को छू रही है, ईंटों को 2 ईंटे ढक रही है। मेन रूप से कितने ईंटे ढके हैं इसको गिनना रहता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग उपखंड 2 में, इसे भी देखते हैं कि कैसे हल करना है। आप शुरुआती दौर में इसे रख के जरूर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। चलते हैं इसमें भी ए के लिए कितने ईंटे हैं तो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि छोटे वाले भाग को देखना है, चलिए हम लोग फिर छोटे वाले भाग पर इंगित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी ईटों की संख्या 8 ही है, आप इसे कहीं भी किसी भी तरह से इंगित कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन हमेशा जो इंगित करना है वो छोटे वाले भाग पर ही इंगित करना है, बड़े वाले भाग पर नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आइए अब हम लोग अपने ए के लिए सोचते हैं कि हमारा कौन सा ईटा ए को टच कर रहा है। तो देखिए ए के दाहिने साइड में सबसे पहले कौन टच कर रहा है? 6 टच कर रहा है, फिर नीचे में 5, फिर बाएं साइड में 1, और ऊपर की बात करें तो यहाँ देखिए एक 2.5 इंच का भी ईटा टच कर रहा है और एक 5 इंच का भी आधा टच कर रहा है। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। अब एक को छूने वाली कितनी हो गई? 5। ए के लिए 5। अब चलते हैं बी की ओर। बी को कितने ईटे टच करते हैं देखते हैं। बी को देखिए एक 8 टच कर रहा है ऊपर की ओर, फिर बाई ओर 3 कर रहा है, नीचे दाहिने ओर तो कुछ है ही नहीं, और नीचे के लिए
एक देखिए ये हमारा चार नंबर टच कर रहा है और एक हमारा ये छह नंबर टच कर रहा है, तो कितनी हो गई, एक दो तीन चार, बी को टच करने वाली चार। अब आते हैं हम लोग सी की ओर, सी को देखिए, सी नीचे भी कुछ नहीं है, बाएं भी कुछ नहीं है और पीछे भी कुछ नहीं है, क्योंकि सी की लंबाई जितनी दिख रही है ये इससे हम लोग काउंट करते हैं, ये इतनी ही लंबाई है इसकी भी। देखिए सी में एक मुझे यहां दिखा, सामने में दाहिने साइड में पांच, एक चार, और ये इसको टच नहीं कर रही, एक यहाँ टच कर रही है, एक ऊपर टच कर रही, नीचे खाली, बाएं खाली, पीछे खाली, तो कितना हो गया, एक दो तीन, सी को छूने वाली कितनी संख्या हो गई, अब ईटों की संख्या तीन। अब चलते हैं हम लोग डी की ओर, डी को कितनी ईटे छू रही हैं, डी को देखिए, डी के आगे में ये जो है सबसे बड़ा थ्री ये खड़ा है, तो एक दाहिने हो गया, बाएं में कुछ भी नहीं, ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में एक ईटा है जो है एक नंबर का, तो हो गया एक और तीन, डी को छूने वाली कितनी हो गई दो, डी को दो ईटे स्पर्श कर रही है। अब चलते हैं हम लोग ई की ओर, ई को कितनी ईटे स्पर्श करती है, देखिए ई मेरा खड़ा है, अब इसको ई मेरा इस तरह से खड़ा है, कहने का मतलब है ई के ऊपर पे देखिए ये खड़ा है, इसका छोटा वाला भाग लेना है मुझे, जो ई पर खड़ा है वो एक ये खड़ा है, और ये देखिए ऊपर में है, दाहिने खाली है, पीछे भी खाली है, आगे भी खाली है, बायां ही सिर पर ईटा रखा हुआ है, तो एक यहाँ हो गया, बाएं में देखिए ऊपर में एक है, बाएं में एक चार नंबर का ईटा है और एक पांच नंबर का ईटा है, तो कितने हो गए ई में, एक दो और तीन, ई में ईटों की संख्या हो गई तीन। अब चलते हैं हम लोग उपखंड तीन में, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उपखंड तीन में पूछा जा रहा है तो फिर हम लोग वही करेंगे, इसको नंबर डालेंगे इसमें, वन टू थ्री, सॉरी इधर नहीं, ये बड़ा वाला हिस्सा है, छोटे वाले हिस्से पे डालना है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, इस तरह से आपको कर लेना है, छोटे वाले भाग को इंगित करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट से, ये शुरुआती दौर के लिए मैं बता रही हूँ, कुछ दिन के बाद आप बिना इंगित किए हुए से प्रयास करेंगे होगा। चलते हैं हम लोग ए की ओर, ए को कितने ईंटे टच कर रहे हैं, अगर ए की बात करें तो देखिए ए की लंबाई जितनी वन की लंबाई है उतनी ही लंबाई है, तो ए के ऊपर में कौन सा रखा हुआ, एक ए रखा हुआ है, ए के दाहिने साइड की अगर बात करते हैं तो दाहिने साइड में एक तीन नंबर का ईटा रखा हुआ है और बाएं खाली है, ए के नीचे की बात करते हैं तो ए के नीचे के लिए मैंने पहले भी कहा था कि बड़े वाले भाग का सिर्फ सहारा लेना है और हमको छोटे वाले ईटे से काउंट करना है, जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 10 इंच यहाँ पर है और ये तब तो फिर मेरा 5 इंच है और हमारे ए की लंबाई 10 इंच है, यहाँ तो 5 इंच ही घेरा, अब ये भी ईटा ए को छू रहा है, यानी अब कितने हो गए, एक दो तीन चार, कुल मिलाकर के फिर से देखते हैं हम लोग, एक ऊपर दो दाहिने, नीचे में देखिए दो चार, ए को छूने वाली चार, बी को देखते हैं आप, बी को कितने ईंटे स्पर्श कर रही हैं, तो बी के लिए फिर हम लोग चले आते हैं, बी का ऊपर खाली है, नीचे की बात करें तो नीचे में दिखाई दे रहा है पांच और छह, दो हो गए, अब दाहिने की बात करें तो वो खाली है, बाएं में एक ईंटे है वो है तीन नंबर का, कितने ईंटे हो गए बी को करने के लिए, एक दो और एक ये तीन, बी को तीन ईंटे घेरे हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं सी की ओर कि सी को कितने ईंटों ने घेर रखा है, सबसे पहले सी को जानने के लिए हम लोग इस ईंटों को देखेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे रखे हुए हैं, तो सी की यहाँ लंबाई मुझे 5 इंच ही दिख रही है, तो इसका मतलब है 10 इंच जैसे 5 नंबर के मेरे ईंट ये सी से ईंटे रखे हुए, ऐसे ही हमारी सी के भी ईंट रखे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नीचे देखते हैं, नीचे एक ईंटा है, एक बाएं एक ईंटा है, दो दो हो गया, अब ऊपर की पीछे भी कुछ नहीं है, अब ऊपर की बात करते हैं, देखिए एक दो और ये तीन, तीन ईंटा सी को छू रही है क्योंकि ये ई और सी एक जैसे रखे हुए हैं, इसलिए जितनी ईंटे ई को छू रही है उतनी ईंटे सी को भी छू रही है, कितनी हो गई, एक दो तीन चार पांच, सी को
छूने वाली ईटे की संख्या हो गई 5। अब चलते हम लोग डी की ओर, डी को कितनी ईटे छू रही है, तो डी के लिए देखते हैं, इसका बाया खाली है, दाया एक ईटा, नीचे खाली है, ऊपर एक ईटा और पीछे कुछ भी नहीं है, कितना हो गया 1 और 2। तो डी को छूने वाली कितनी हो गई अब 2। अब चलते हैं हम लोग ई की ओर, ई को कितने ईटे स्पर्श कर रही है, जैसा कि सी में देखे थे दोनों एक जैसा है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये 5 होगा, फिर भी हम लोग काउंट करके देखते हैं, जब एक तरह से ईटा रखा रहता है तो संभवतः एक ही आंसर होता है, फिर भी हम लोग काउंट करेंगे। सी के लिए पीछे कुछ भी नहीं है, आगे भी कुछ नहीं है, नीचे में एक डी है, दाहिने में सी है या 6 नंबर का है, 7 है 6 है, बाएं में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ऊपर की बात करते हैं, तो ऊपर में देखिए 3 4 3 और ये 2, 1 2 3 4 और ये 5, हमारी फिर कितनी हो गई 5। ई में भी हमारी ईटों की संख्या हो गई 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से इसको हम लोगों को काउंट करना है, और ध्यान रखिए इसमें सबसे बड़ी बात अगर है तो ये यही है कि हमें इसका सहारा लेना है, इससे कभी भी काउंट नहीं कीजिएगा, काउंट करने के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप 5 मिनट की जगह 4 मिनट में ही 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जितना कम से कम गलती करें यही आपका प्रयास होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेबल और क्लॉक के बारे में जानकारी दूंगी, तब तक के लिए।